हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक फिट होंगे, फाइन होंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे हैं नीट के सेकंड फेज को लेकर। एनटीए की ऑफिशियल साइट पर जो स्टार्ट हो चुका है, बहुत से बच्चों को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो बहुत से बच्चों के अभी दिल में काफ़ी ज़्यादा सवाल है। पहला सवाल ये आता है कि किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने नीट एग्ज़ाम को इस बार दिया है, अब उनके मार्क्स कम है या ज़्यादा है डजंट मैटर। हर एक बच्चे को चाहिए कि वो सेकंड फेज के रजिस्ट्रेशन में उसको अप्लाई करे, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको एक भी पैसा चार्ज देना नहीं होता है, तो कोई आपका लॉस नहीं होना है। आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट एनटीए डिक्लेयर नहीं करेगा, पहली चीज। अब सेकेंड चीज ये आती है कि सर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करें? तो भाई आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो नंबर जो आपने फर्स्ट फेज में यूज़ किया था उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर वो आपका नंबर भी बंद हो गया है तो जो आपके पास एक ऑप्शनल नंबर था ना, आप उसको यूज़ कर उस पर अपना जो है कोड मंगा कर पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसे बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह जो था, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटी वाला हो, चाहे वो रिजर्वेशन वाला हो, वो नहीं तो क्या करें? तो भाई ये सब सर्टिफिकेट जो है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे रिजर्वेशन हो, ये सब 2 से 3 दिनों में आपके लोकल कोड पर बन जाते हैं। अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको अपकमिंग 1-2 दिन में मिल जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक। आप आसानी से उसको जो है बनवा कर इजी वे में सबमिट करिएगा। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, रिलैक्स रहें, ठीक है ना। थर्ड चीज़, एग्ज़ाम का कौन सा कोड यूज़ करना है? तो भाई एग्ज़ाम का कोड क्या है कि जो आपने एग्ज़ाम में दिया था पेपर कोड, वो यूज़ करना है। इसके अलावा रही बात फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को लेकर, तो बहुत से बच्चों का कहना है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको भर देना कि आपने किस ईयर में फर्स्ट ईयर किया था, कॉलेज का डिटेल फिल कर दीजिएगा, डेट सेट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। एक बार आप ट्राई करोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं जिससे आप परेशान हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, फिर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का आपको आंसर दे पाऊँ। एट लास्ट मैं आपका कुछ सेकंड लूंगा एक छोटी सी प्रमोशन नोटिस। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आप सर्च कर एक ऑनलाइन कोचिंग, तो आपके सामने अनअकैडमी कोचिंग, जी हाँ, यहाँ पर न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी स्टडी को अच्छे से जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके फ़ायदे क्या हैं? तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो लाइव क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। आप अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी और हर एक चीज़ें दी जाएंगी जो आपके लिए बेटर हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल है, ठीक है ना। अब इसके अलावा सवाल ये आता है कि इसकी फ़ी क्या होती है, तो आपके सामने फ़ी भी दी गई है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिले, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उसमें मेरा कोड Abhishek Singh 01 यूज़ करना होगा, आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल आप देख रहे हैं। अकेडमी पे जो बैच है, रैंकर्स बैच, स्टार्ट हो रहा है 6 अक्टूबर से, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है। अभी जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को यूज़ कर रैंकर्स बैच को ज्वाइन करें, या फिर आइकॉन सब्सक्रिप्शन लेकर अपने फेवरेट टीचर से पढ़ें जो आपकी रैंक को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, जो आपको अच्छे से पढ़ाए, ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको MBBS मिल सके, ठीक है। इसके अलावा टाइटस बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ही बैचेस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। फटाफट आप जो है समय को वेस्ट ना करते हुए सब्सक्रिप्शन को ले लें और क्लासेस को ज्वाइन कर लें, बिकॉज समय काफ़ी कम है, मंजिल बड़ी है और हमें आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। 20% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको मेरा कोड Abhishek Singh 01 यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक और कोड दोनों मिलेंगे डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन में, जाएं और यूज़ करें।